इनिशियली मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था अपने जर्नी. क्या रिसोर्सेज फॉलो करते थे आप उस टाइम? सीखने के लिए तो कोर्सेरा मेरा नंबर वन वेबसाइट था. मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करता था. चार चीजों के बारे में आपने बात की, डेटा इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट. जो भी डेटा आ रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से उसको हम लोग प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाते हैं. इंटर्नशिप में मैंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे उन लोगों ने फुल टाइम ऑफर दे दिया. जॉब से ज्यादा जब फ्रीलांसिंग से आने लगे तब आपने जॉब छोड़ दी. जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं डेटा फील्ड में स्पेसिफिकली, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्किल होना चाहिए. कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग में कर सकते हो एट द बिगनर? इधर आप फ्रीलांसिंग बिजनेस टीम हायर कर सकते हो और बिजनेस बढ़ा सकते हो. फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स आपको कितना पे करते हैं? पे रेंज के बारे में थोड़ी सी बात कर. क्लाइंट्स मिल जाएंगे, खाली आपको अप्रोच बताओ. अगर डिग्री नहीं होगी तो जो भी चलेगा, बट अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. हाय एवरीवन, आपको तो पता होगा टेक में कितनी सारी फील्ड्स हैं. आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट. एंड आपको एक और फील्ड का शायद आइडिया होगा जो कि है डेटा फील्ड. ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ऐसे टाइप के रोल्स आते हैं. तो आज पॉडकास्ट में मैंने अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाया जो कि डेटा फील्ड में स्पेशलिस्ट है. आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. सो दिस इज दर्शिल परमार, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शंबुल फॉर इनवाइटिंग. सो माय नेम इज दर्शिल. मेरी ग्रेजुएशन 2019 में हुई थी और उसके बाद मैंने एक साल जॉब करी और 3 साल फ्रीलांसिंग करी और अभी मैं साथ ही में अपना यूट्यूब चैनल भी कर रहा हूँ. और मेनली मैंने काम किया है डेटा डोमेन में, सो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और थोड़ा मशीन लर्निंग के. ठीक है दर्शिल, स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज जर्नी से. ठीक है, आपने कहाँ से कॉलेज किया था एंड आप कौन से बैच से थे? सो मैं मुंबई में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तो मैंने फर्स्ट डिप्लोमा किया वहाँ पे, कॉलेज है बाबूभाई मफतलाल पॉलिटेक्निक. और उसके बाद कीजिए सोमया से मैंने अपनी डिग्री कम्प्लीट करी और ग्रेजुएट हुआ मैं 2019 में. 2019 एंड आपको कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगी डेटा फील्ड में, फिर कैसे किया आपने? सो ऑन कैंपस तो मुझे TCS में लगी थी बट मैं वहाँ पे गया नहीं क्योंकि पैकेज 3 लाख था. सो मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया. सो थर्ड इस फाइनल ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी एक स्टार्टअप कंपनी में, उसी सेम कंपनी में मुझे अपना फाइनल ऑफर दिया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद वहीं से जॉब की जो डेटा फील्ड में. तो वो इंटर्नशिप ऑफ कैंपस थी कि ऑन कैंपस? वो इंटर्नशिप भी ऑफ कैंपस ही, तो मैं लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा था अलग अलग कंपनीज में. सो वहाँ से मुझे ऑफर आ गया कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, तो मैं वहाँ गया इंटरव्यू के लिए. उन्होंने बोला कि हम लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट तुम रहे थे, तब तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे इंटर्नशिप दे दो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं नो स्किल सेट है मेरे पास कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ रिजल्ट. तो वहाँ से मुझे इंटर्नशिप मिली और इंटर्नशिप में मैंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे उन लोगों ने फिर फुल टाइम ऑफर दे दिया. बताओ, वो एक्सपीरियंस रोल ढूंढ रहे थे, उन्होंने एक फ्रेशर को हायर किया और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फुल टाइम ऑफर दे दिया. सो आपने बोला आपके पास वो स्किल सेट थे जिनकी वजह से उन्होंने आपको हायर किया, वो क्या क्या स्किल सेट थे उस के बाद? इनिशियली मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था अपना जर्नी, बट मुझे थोड़ा नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी. सो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग थोड़ा एक्साइटेड था चीज़ें सीखने के लिए. तो मैंने एक साल तो सीखने में निकाला, तो कोर्सेरा से बहुत सारे कोर्सेज किए, यूडेमी, यूट्यूब से बहुत कुछ पढ़ा सीखा. तो बट सीखने से कुछ नहीं होता, आपको अप्लाई करना है. तो इसी रीज़न से मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करना और मुझे इंटर्नशिप मिली. तो उस इंटर्नशिप में मुझे डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पता चला. तो वैसे ही मतलब जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कि इंटर्नशिप में नहीं, उसके पहले मैंने थोड़े प्रोजेक्ट्स किए और उसके बाद कंपनी में बहुत सारी चीज़ें सीख की. ओके, सो किस टाइप के आपने प्रोजेक्ट्स टारगेट किए थे? मुझे मशीन लर्निंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने थे. तो इंटर्नशिप में मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला कि एक ई कॉमर्स कंपनी थी, वहाँ पे उन लोग को फिगर आउट करना था कि जो सेलर्स होते हैं वो लोग कभी कभी प्रोडक्ट शिप नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, तो उनको आइडेंटिफाई करना था मशीन लर्निंग के थ्रू. तो ये बड़ा लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट था जो मुझे इंटर्नशिप में काम करने मिला और उसमें मैंने काफ़ी बढ़िया काम किया. मतलब नए नए एल्गोरिथम्स यूज़ किए, न्यूरल नेटवर्क्स पे ट्राई किया, AWS पे काम करने का मौका मिला. तो वो प्रोजेक्ट्स के बाद थोड़े बहुत मुझे डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं. मुझे ताकि ये फील्ड में जाना नहीं था बट कंपनी के पास दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी ये है तो यही करना पड़ेगा आप. तो आई वाज लाइक ठीक है यार, फ्रेशर हूँ, सीखने मिल रहा है, क्या गलत बात है. तो ऐसे ही डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पता चला. सही है, तो आपको कॉलेज में ये सब पता चल गया? हाँ, मतलब फाइनल ईयर जैसे ग्रेजुएशन हुआ और फर्स्ट टाइम जॉब की तो तभी आइडिया आ चुका था. क्या रिसोर्सेज फॉलो करते थे आप उस टाइम? सो सीखने के लिए तो कोर्सेरा मेरा नंबर वन वेबसाइट था, क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए वहाँ पे N2NG का एक कोर्स है मशीन लर्निंग, और deeplearning.ai करके एक है जहाँ पे उनका पूरा डीप लर्निंग का लंबा सा कोर्स था, मैंने वो किया. यूडेमी और यूट्यूब से भी मैंने बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स को फॉलो किए और डेटा साइंस मशीन लर्निंग के बारे में सीखा.
बट एट द एंड मैं अभी डेटा इंजीनियर हूँ, तो वो तो मैं कंपनी से ही सीखा मतलब क्या कर रहा। बट अगेन ऑनलाइन रिसोर्सेज तो अवेलेबल है ये सब चीज़ों के लिए, तो ऑनलाइन सब चीज़ फ्रीली अवेलेबल आप सीख सकते हो। सही है। एंड्रियन जी का डेटा वाला जो ML वाला जो आपने बताया वो बहुत पॉपुलर है, मैंने भी सुना है, इसका काफ़ी हाइप है एंड इट इज़ रियली गुड, मतलब काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा रिसोर्स है, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। सो दर्शिल, आपने जब वो स्टार्टअप जब स्टार्टअप से ऑफर आया, आपने वो ऑफर लिया एंड आपने कंटिन्यू किया उसमें फुल टाइम? यस। सो ये जो कंपनी थी मतलब अगेन वो कंसल्टिंग और सर्विस बेस्ड कंपनी थी जो अलग अलग US और यूरोप कंपनीज को डेटा रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, तो ये चीज़ वो लोग कर रहे थे लार्ज स्केल पे एकदम कंपनी लेवल पे। तो वहीं से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी कि स्टार्टअप कंपनी थी तो मुझे ही सारी चीज़ें करनी थी, और मैं थोड़ा मतलब तभी तो बहुत जोश रहता है ना नीचे स्टार्ट हुआ थी, तो मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करता था, लोगों पे हैंडल करता था, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेवऑप्स, कभी कभी SD का काम करिया, तो सब चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती थी, तो तभी सीखना बहुत मिला और उसके साथ ग्रोथ भी ऐसे ही। सो अगेन जॉब में ही ये सारी चीज़ें सीख पा रहा। ठीक है, तो आपने हमें 3-4 टर्म्स बताए, डेटा इंजीनियरिंग, डेवऑप्स एंड डेटा साइंस है, तो मतलब एक एक टर्म के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो? तो मैं सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब देखो कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, राइट, फॉर एग्जांपल अमेजोन है। सो अमेजोन की जो वेबसाइट होगी, एप्लीकेशन होगी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अभी वो कोडिंग करेंगे जो भी एप्लीकेशन बनेगी, उसके बाद उसके पीछे जो भी डेटा बेसिस होते हैं, डेटा कलेक्ट्स होते हैं, तो उस पर अमेजोन को डिसीजन लेना होता है डे टू डे बेसिस पर, राइट, कि कितने प्रोडक्ट बिके, कितने प्रोडक्ट रिटर्न हुए हम लोग के, और कहाँ कौन से रीजन में क्या ज़्यादा बिक रहा है कैटेगरी, वो सब। तो ये सब होता है एनालिटिक्स साइड का चीज़ें जो हम लोग डैशबोर्डिंग देखते हैं, तो उसके बीच का जो जर्नी होता है उसको डेटा इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में आता है कि जो भी डेटा आ रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से उसको हम लोग प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाते हैं और एक डेटा बेस में स्टोर करेंगे, डेटा वेयरहाउस ये सब हो गया। तो वहाँ पे कंपनीज एनालाइज करते हैं डेटा कि यू नो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, डैशबोर्डिंग, मशीन लर्निंग का एंड वहाँ पे आता है। डेवऑप्स का है कि ये सारी चीज़ों को थोड़ा ऑटोमेट करना, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो फो डिप्लॉय नहीं कर सकता क्योंकि कुछ मिस्टेक कर दी उसने तो पूरा पाइपलाइन ब्रेक हो सकता है, राइट। तो डेवऑप्स बनना एक होता है कि ये पूरे प्रोसेस को ऑपरेशनलाइज करें अच्छे से, कि अगर कोड पुश हो रहा है कहाँ से तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, तब जाके कोड डिप्लॉय होगा। वैसे तो ये सब फील्ड है, तो डेटा इंजीनियर का काम है कि डेटा पाइपलाइन बनाना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा एनालिस्ट का काम है कि पहले क्या हुआ, लाइक लास्ट 5 साल में क्या हुआ कंपेयर टू दिस ईयर, उसका जवाब निकालना, सी यू नो व्हाट वाज द रेवेन्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट लास्ट 3 ईयर्स कंपेयर टू दिस ईयर, सो ये डेटा एनालिस्ट करेंगे। डेटा साइंस वाला बंदा फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा कि इस साल ये हुआ है तो आगे के नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, तो प्रेडिक्शन एल्गोरिथम्स आते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर इसको डिप्लॉय करते हैं ML मॉडल्स में, तो रिकमेंडेशन सिस्टम जो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे या अमेजोन पे कि दिस गाय परचेज दिस सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस, तो ये सारी चीज़ें एक साथ में ही काम करती है और आपको फाइनल रिजल्ट देती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपने कैटेगराइज करके बताया, मेरे को काफ़ी क्लियर हो गया, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें इनमें से नहीं पता थी, तो 4 चीज़ों के बारे में आपने बात की, डेटा इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। तो वो क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए? आई थिंक पावर BI एक टूल होगा जो कि डेटा एनालिस्ट यूज़ करते होंगे एंड डेटा साइंटिस्ट भी प्रोबेबली, और क्या क्या टूल्स हैं? सो पावर BI आपने बोला डैशबोर्डिंग के लिए यूज़ होता है, राइट। सो कंपनी में कोई बंदा होगा जो लेट्स से शिपिंग मैनेज करता होगा, तो सुबह को आएगा और देखेगा डैशबोर्ड में, क्योंकि नंबर्स किसी को पसंद नहीं है, तो उसको ग्राफ्स और चार्ट्स चाहिए कि आज कितने ऑर्डर्स गए, कितने बाकी है, कितने रिटर्न हुए, सो ये डेटा एनालिस्ट और बिजनेस का साइड हो गया। अभी टूल्स में करेंगे तो डेटा इंजीनियर्स जनरली यूज़ करते पाइथन, सीक्वल तो डेटा के लिए कोर स्किल होता है, क्योंकि पूरा दिन हमको डेटा के साथ काम करना है, और सीक्वल इज द वे जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डेटा को, तो वो हो गया। फिर बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। अभी डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास अपाचे स्पार्क है जिसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। अपाचे आपका जो रियल टाइम डेटा देखते हैं हम लोग कि गूगल मैप से ऊबर के डेटा, तो रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं, तो अपाचे आपका है। और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज है लाइक AWS, GCP, Azure के अलग अलग सर्विसेज होते हैं जो अलग अलग वर्क के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं वैसे। क्या तो थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग ऑन द टर्म्स। तो आपने इस स्टार्टअप में कितने टाइम तक काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो इस स्टार्टअप में मैंने 1 साल तक काम किया और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी।
तो आपने फ्रीलांसिंग पहले स्टार्ट कर दी थी या फिर जॉब छोड़ने के बाद स्टार्ट की, कैसा था? सो फ्रीलांसिंग तो मैं जॉब के साथ ही कर रहा था, तो बेसिकली मैंने 10 महीने जितने जॉब की होगी और मुझे फिगर आउट करना था अच्छी नेक्स्ट क्या करूँ मैं, तो फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला, ऑनलाइन देखा, यूट्यूब पे ब्लॉग्स पढ़े कि ऐसे कर सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म से रजिस्टर किया और जॉब के साथ ही कर रहा था। तो जॉब मॉर्निंग में जाओ इवनिंग में घर आ जाते, तो उस टाइम में मैं फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर करता था और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हुए। जब लगा कि यू नो कि जॉब से ज़्यादा इनकम वो लगी होने लगी है और थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है, तब मैंने जाके जॉब छोड़ा। 5 महीने लगे फ्रीलांसिंग के और जॉब के साथ में, उसके बाद जॉब छोड़ के फिर जाते फुल टाइम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपकी जॉब से ज़्यादा जब फ्रीलांसिंग से आने लगे तब आपने जॉब छोड़ दी। स्टार्टिंग में मैंने सुना है कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, तो आप फ्रीलांसिंग मतलब जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं डेटा फील्ड में स्पेसिफिकली, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सो बेसिकली देखो, फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्किल होना चाहिए। ओके, आपके पास डिग्री नहीं है चलेगा, स्किल होना चाहिए कि आप क्लाइंट को कन्विंस कर सको कि मैं ये काम कर सकता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेबसाइट बनानी है, राइट? तो मुझे कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करना, मुझे खाली वेबसाइट पर से बनानी है, जो बंदे को वर्डप्रेस आता हो, ये मुझे वर्डप्रेस पे बना रही है, तो मैं उस बंदे को ढूंढूंगा जिसको ये स्किल आती है। अभी वो मुझे कन्विंस जैसे करेगा कि उसने पहले ये काम किया होगा उसके बेसिस पे। अगर मैं देखूंगा कि इस बंदे ने वर्डप्रेस पे काम किया है और उसके पास 2-3 वेबसाइट्स है एग्जाम्पल्स है, तो मुझे खाली वो भेज देगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको काम दे दूंगा। इतना ही सिंपल होता है फ्रीलांसिंग में, कि अगर आपको डेटा के अंदर काम करना है तो अगर आपको जैसे डेटा इंजीनियरिंग डेटा साइंस को उसके रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आप क्लाइंट को बता सको कि ये देखो आपको डैशबोर्ड बनाना है, मैंने बहुत सारे डैशबोर्ड बनाए हैं, आपको डेटा पाइपलाइन बनानी है, मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए, आपको एप्लीकेशन बनाना है, मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, भले वो एप्लीकेशन लाइव ना हो पर आपके पास एग्जाम्पल है कि आपने कुछ किया है, तो आपको इजीली फ्रीलांसिंग में एंट्री मिल सकती है। तो ये बेसिक्स होते हैं कि स्किल होनी चाहिए और एक काम दिखाने का पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो है तो आप वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सुदर्शन, इमेजिन कि अगर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ तो क्या मेरे पास सेल्फ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, पहला तो ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। दूसरा ये कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसिंग मैं कर सकती हूँ एट द बिगिनर? सो सेल्फ प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली नंबर वन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, जो रिक्वायर्ड भी नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए, तो अगर आपके पास खुद के प्रोजेक्ट्स है तो आप कर सकते हो। तो खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अगर नहीं है तो आपको बनाने पड़ेंगे, तो आप वो भी ऑनलाइन सीख सकते हो, सब फ्रीली अवेलेबल है। ओके, तो अब उससे स्टार्ट करिए, 1-2 महीने लगते हैं फ्रीलांसिंग में बेसिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट्स बेस होता है, तो आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, खाली आपको अप्रोच करता हूँ। तो साइट्स लाइक हपवर्क, spiver.com है, freelancer.com है, तो इन सारी साइट पर क्या होता है कि अलग अलग क्लाइंट्स अपने प्रॉब्लम देखते हैं कि मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे एप्लीकेशन बनाना है, UI पे काम करना है, तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। अगर आपका स्किल मैच हो रहा है तो आप उस पर प्रपोजल डाल सकते हो कि मैंने ये काम किया है, उस बेसिस पे आप मुझे काम दे सकते हो। सो आपको प्रॉपरली इंग्लिश में प्रपोजल लिखना पड़ता है, आप तो आजकल ChatGPT वो सब भी यूज़ कर सकते हो इस चीज़ों के लिए, तो काफ़ी ईजी हो गया है। तो प्रपोजल डालोगे, आपका पोर्टफोलियो अटैच करोगे, अगर क्लाइंट को पसंद आया तो आपको रिप्लाई करेगा, फिर आप उसके साथ काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो दर्शन फिर आपने फ्रीलांसिंग में टीचिंग भी स्टार्ट कर दी, सो उसकी जर्नी आप बताओ, फ्रीलांसिंग को आपको कब लगा कि आपको फ्रीलांसिंग को भी मतलब और लोगों को आपको एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, एंड किस टाइप का कंटेंट आप एजुकेट करते हो, प्रमोट करते हो आप? ओके, सो मतलब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था डेटा इंजीनियरिंग में, ओके, तो टीचिंग का आइडिया था कि एक टाइम के बाद फ्रीलांसिंग से मुझे मूव होना है। इवेंचुअली हर एक फ्रीलांसर होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको काम करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा चीज़ें ऑटोमेट करनी है, राइट? कि अगर फ्रीलांसिंग में काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलते, बट काम करोगे तो बहुत पैसे मिलते, ऐसा है। तो मुझे थोड़ी चीज़ें ऑटोमेट करनी थी और मुझे पढ़ाने का शौक भी था। मैंने सोचा कि यूट्यूब स्टार्ट करते हैं अपना, लोगों को थोड़ा सिखाएंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर कॉन्टेंट नहीं था ज़्यादा, तो मैंने कहा कि मैं स्टार्ट करूँगा तो लोगों को पता चलेगा कि क्या चल। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किए, जैसे फ्रीलांसिंग करा था मुझे लगा था कि अगर कभी कुछ हो गया मुझे क्लाइंट्स नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा, तो उसके बैकअप के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जो सिखा रहा था, फिर लोगों को पसंद भी आने लगा, तो अभी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक लिया है फ्रीलांसिंग से अभी के लिए। ओके, ठीक है, आप इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर जाके चेकआउट करें एंड फॉलो करें, काफ़ी अच्छा चैनल है। अभी के टाइम पे इनके ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, यू
हैव टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल. एंड एक और डाउट दर्शिल कि फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स आपको कितना पे करते हैं, पे रेंज के बारे में थोड़ी सी बात कर. तो इनिशियली आप तो छोटे से स्टार्ट करो थे, तो मिनिमम आप आर्ली बेस चार्ज कर सकते हो. मैंने स्टार्ट करी थी $20 से एक दो प्रोजेक्ट्स के, बट इवेंचुअली मैंने $30 कर दी क्योंकि मेरा स्केल काफ़ी अच्छा था. तो इनिशियल बेस पे आप $20-$15 से चार्ज करो. हाँ, पर आर. पर आर, पर आर, ओके. हाँ, तो पर टास्क के बेसिस पे होता है. फिक्स बिल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो $100-$200 काम के हिसाब से आप ले सकते हो. पर आर्ली बेसिस में कैसा होता है, घंटे पे का मतलब पे मिलता है. सो फॉर एग्जाम्पल आप $30 आर्ली मिल रहा है, 13 × 80 करोगे कितना होता है, अराउंड 240. ओके, तो मतलब आपको दिन के आप 15,000-18,000 कमा सकते हो अगर आप 8-9 घंटा काम कर रहे हो. सो उसके बीच में रेंज होता है, थोड़े पीस वीस कटती है, बट ये आपके पास हाथ में आ सकता है. तो अगर आप मंथली काम कर रहे हो तो आप ईजिली 3-4 लाख मंथ पर मंथ पहुँच सकते हो ये फिगर. ठीक, काफ़ी सही है. ठीक है, तो और दर्शिल एक और एक चीज़ कि स्टार्टिंग में कितना कमाते थे आप फ्रीलांसिंग से, एंड मतलब उसके बाद जब आपका ये फ्रीलांसिंग बिजनेस एक्सपैंड हुआ तो पेरेंट्स में क्या डिफरेंस आया, कैसे ये डेवलप हुआ आपका? तो मैं जॉब से स्टार्ट करूँगा, राइट. जब मुझे इंटर्नशिप मिली थी तो मुझे 10K का स्टाइपेंड था. फिर जब मुझे फुल टाइम ऑफर मिला तो अराउंड 50K पर मंथ थे, मतलब 7 लाख पर मंथ का पैकेज था. और उसके बाद सीधा जम हुआ मेरा अराउंड 3-4 लाख के अराउंड फ्रीलांसिंग के थ्रू. और उसके बाद तो बढ़ता ही गया, मतलब अभी खुद के कोर्सेज, यूट्यूब इनकम, थोड़ा एफिलिएट होता है, तो वो सब अलग अलग सोर्सेज से छोटे मोटे इनकम आते रहते हैं. तो ऐसा धीरे धीरे बिल्ड होता है. तो इवन कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है फ्रीलांसिंग, सो इवेंचुअली आपको एज अ बिजनेस सोचना पड़ेगा कि इधर आप फ्रीलांसिंग बिजनेस टीम हायर कर सकते हो और बिजनेस बढ़ा सकते हो, या आपका खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो अगर जैसे यूट्यूब करना है, कॉन्टेंट क्रिएशन या कोई कवर बिजनेस वैसे. ओके, ठीक है. तो आपने एक और बात कही थी हमें कि पर आर के हिसाब से चार्ज देते हैं फ्रीलांसिंग में, तो ऐसा नहीं होता है कि जो भी उस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम ले लेता है कि मेरे ज़्यादा आर्स लगे, ऐसा कुछ सिनेरियो फ्रीलांसिंग में होता है? क्योंकि मेरे को ये मॉडल समझ नहीं आ रहा. हाँ, क्योंकि हाँ मतलब ये डाउटफुल है ही, बट देखो अगर आप अपवर्क फाइबर पे काम करोगे ना तो वहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, आपको टाइम ट्रैकर स्टार्ट करना पड़ता है. तो आप कितने घंटे काम कर रहे हो, आपने कितना कीबोर्ड पे हिट किया, कितने वर्ड्स टाइप किए, और पीरियडिकली स्क्रीनशॉट भी लेते हैं कि आप वही काम पे काम कर रहे हो कि दूसरा कुछ कर रहे हो, यू नो माउस क्लिक कितना है, मूवमेंट कितना है. तो हर एक चीज़ें ट्रैक होती है अगर आप प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओ. तो ये तो प्लेटफॉर्म है कि वो मेक श्योर करता है कि आप दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्लाइंट के पैसे बर्बाद नहीं हो रहे. ओके, तो ये फर्स्ट चीज़ है. तो अगर आप ऑफ द कैंपस काम कर रहे हो तो ट्रस्ट के बेसिस पे ही होता है कंप्लीटली, कि अगर आपने आपको कोई काम मिला तो आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है. तो बहुत बार होता है कि आप लोग 4 घंटा काम करते हैं बट 8 घंटे का चार्ज करते हैं, तो वो आपकी स्किल्स हो गए, राइट, कि अगर मैंने जल्दी कंप्लीट कर दिया और 8 घंटे का काम है तो आप चार्ज कर सकते हो. तो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए वहाँ. यस, एग्जैक्टली. मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो ट्रस्ट के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो दैट वॉज ग्रेट टू नो. मुझे भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जैसे कि वो टाइम ट्रैकिंग वाला, दोस प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी वेरी एडवांस. सो इट वॉज ग्रेट टू नो, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑन दिस दर्शिल. एंड आप कोई एडवाइस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? डेफिनेटली, अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज में हो, तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि आप एक्सप्लोर करें. ओके, कोई भी फील्ड मतलब एक बेटर नहीं है और एक मतलब SDA, DevOps, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, राइट. सारी चीज फील्ड का एक तो इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड बेटर है और दूसरी फील्ड खराब है. आपके इंटरेस्ट तो बेसिस तो होता है, तो एक्सप्लोर करें सब चीज़ें, जिस चीज़ में मन लगता है, जिस चीज़ में मज़ा आता है वो उस पर करें और सीखते रहें. मतलब स्किल्स इंपॉर्टेंट है, अगर डिग्री नहीं होगी तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो.